हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी। आज हम माइनर टेन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 91, इसमें यह हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद अगले 6 महीने तक गर्भ निरोधक की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है या 6 महीने तक उसमें प्रभावी होती है, तो कौन सी होती है इनमें? लैक्टेशनल एमिनोरिया। जब तक जो है वो न्यूबॉर्न बेबी वो मदर्स मिल्क पर पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड है, तब तक उसमें नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती और तब तक उसमें ओवा मैच्योरेशन नहीं होते, जिससे उसमें मैटिंग के बाद भी जो है वो इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्लियर? तो लैक्टेशनल एमिनोरिया की कंडीशन में उनमें 6 मंथ तक कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करने में कोई रोल नहीं होता। क्लियर? आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लिपेस लूप इज ए टाइप ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। लिपेस लूप कॉपर रिलीजिंग आयोडीज नहीं है, इट इज नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। क्लियर? तो ये नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है। आयोडीज इंसर्टेड बाई हर सेल्फ इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। आयोडी को खुद कोई भी फीमेल जो है वो अपने लेवल पर वेजाइना के थ्रू उसको यूट्रस में इम्प्लांट इंसर्ट कर सकती है। गलत है ये, किसी भी जो है वो प्रोफेशनल डॉक्टर या नर्सेज के थ्रू जो है वो वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करवाई जाती हैं। इको फ्रेंडली जो है या जो है वो यूज़र फ्रेंडली जो है वो नहीं होती। क्लियर? तो ये भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो ये इनके अंदर जो है वो कौन सा करेक्ट है? केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हाईली इफेक्टिव बट पुअर रिवर्सिबिलिटी। तो इनमें इफेक्टिव तो हाईली है लेकिन रिवर्सिबिलिटी की पॉसिबल है वो कम होती है उसमें। तो कौन सी टेक्निक है? जो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी हम करते हैं, वो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है जो परमानेंटली जो है वो क्या कर देता है, इसमें परमानेंटली कॉन्ट्रासेप्शन को जो है वो रोक देता है। इस कंडीशन में जो है वो क्या होता है, ये स्टेरिलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की जो प्रोसेस है वो इनमें क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन होती है जो पुअर रिवर्सिबिलिटी वाली होती है लेकिन हाईली इफेक्टिव होती है। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 94, कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर? तो इसमें आप देखें ये क्या दिया हुआ है, कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज टर्म्ड एज। क्या अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, देखिए इसमें ये स्पेशल दे रखा है कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट मींस किसी भी तरह के बैरियर का आईयूडीज का वो यूज नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इट मींस इट इज अनफर्टाइल कपल। क्लियर? तो उसमें दोनों मेल या फीमेल इंडिविजुअल में से कोई भी एक इंडिविजुअल है, एक पार्टनर है, वो उसमें से इनफर्टाइल है। तो ये किसके कारण होता है? इनफर्टिलिटी के कारण जो है वो ये नई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। ये प्रोसेस इनफर्टिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
95 test tube baby means a baby born when? Test tube baby generally हम किस condition में कहते हैं? क्या वो baby का जो है वो development सारा test tube में होता है या only fertilization test tube में होगा? इनमें क्या होता है? IVF fertilization होता है, glass apparatus में fertilization होगा, और fertilization glass apparatus में होने के बाद जो embryo होता है उस embryo को आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, यही टेस्ट ट्यूब बेबी होती है। क्लियर? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? इट इज डेवलप्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। इनकरेक्ट है, टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होगा, इट इज डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से भी डेवलप नहीं होगा, डेवलप तो किससे होगा? गैमेटिक फ्यूजन से ही होगा, लेकिन वो गैमेटिक फ्यूजन कहाँ करवाया जाता है? वो ग्लास एपरेटस में करवाया जाता है, और उसके बाद उस एम्ब्रियो को किसी मदर में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? तो आगे व्हेन देयर इज आईवीएफ फर्टिलाइजेशन एंड देन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये करेक्ट है। पहले आईवीएफ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उसमें एम्ब्रियो को आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये थर्ड करेक्ट है। इट इज डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ये भी इनकरेक्ट है। अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर डेवलप होता है तो क्या होता है? वो पार्थेनोजेनेसिस होती है, दैट इज नॉट टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर? वो पार्थेनोजेनेटिक प्रोजेनी होती है। क्लियर? उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेवलप्ड फॉर डिटेक्टिंग फीटल एबनॉर्मिलिटी बाय एनालाइजिंग क्रोमोसोमल डिफेक्ट और एबरेशन ऑफ द फीटस। किसी भी फीटस में उसके क्रोमोसोमल एबरेशन को एनालिसिस करने के लिए एक टेक्निक जो है वो उसमें यूज होती है, और ये टेक्निक अल्ट्रासाउंड एमनियोसेंटेसिस, सदर्न ब्लोटिंग एंड एलिजा, दैट इज एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। क्लियर? 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनमें से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें, नेगेटिव अप्रोच पे क्वेश्चन है, इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फंक्शन नहीं हो। फर्स्ट द इनिबिट्स ओव्यूलेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए करेक्ट है, ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को दोनों को ही इनिबिट्स करती हैं। दे अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री के लिए, एंट्री को रोकने के लिए सर्विकल म्यूकस की जो है वो क्वालिटी को ये चेंज कर देती है। दे इंड्यूस द रिलीज ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। FSH LH के सिक्रीशन को ये इंड्यूस करने की बजाय उसको इनिबिट करती है। क्लियर? तो ओरल पिल्स जो है वो इनमें FSH LH का जो रिलीज बता रखा है, रिलीज को इंड्यूस करना, वो इंड्यूस करने की बजाय उसको इनिबिट करती है, तो ये इसके लिए इनकरेक्ट है। ये तीनों जो है वो करेक्ट है। तो इट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इनमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? तो फोर्थ और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का फंक्शन नहीं होता। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जाइगोट्स अप टू अर्ली जाइगोट्स और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अगर उस जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को 8 सेल स्टेज तक इसमें ट्रांसफर कर दें फेलोपियन ट्यूब में, देन इट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? तो ये जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होगा, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडी, इनमें से कौन सी हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज है? तो हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज में आपको ध्यान है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। तो प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 ये दोनों हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर टी मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है, एंड लिपेस लूप नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है। क्लियर? तो ये इसमें पूछा क्या है, हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज पूछा है,
तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के लिए क्या जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है वो इसमें कौन सी हो जाएगी, प्रोजेस्टासेट। प्रोजेस्टासेट इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल इल इफेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कंटिन्यू अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज किया जाए तो इसका साइड इफेक्ट कौन सा नहीं होगा। क्लियर, क्या पूछा है, इज नॉट ए पॉसिबल इल इफेक्ट, इसका कौन सा ऐसा इल इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID जो है वो क्या होता है, ये STDs का सिम्टम होता है। क्लियर, STDs लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रह जाए, STDs में अगर इनिशियल सिम्टम दिखने पर उसको प्रॉपर ट्रीट कर लिया जाए तब तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, तब तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ में अगर स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल सिम्टम को इग्नोर करके रख दें और उस कंडीशन में लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो फीमेल होती हैं उन फीमेल में क्या हो जाएगा, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है, पेल्विक पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये STDs के कारण जो है वो पॉसिबल होता है, इनमें ये इसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है उसमें क्या बताएंगे कि ये किसके कारण पॉसिबल है, ये अपने आप में एक STDs का, ये STDs होती है उन STD या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI उसका सिम्टम होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इसके कारण पॉसिबल है, ये वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कारण होती है। एब्डोमिनल पेन ये भी इसके कारण होता है, ब्रेस्ट कैंसर भी इसके कारण पॉसिबल है। तो जितनी भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो ओरल पिल्स हो, बैरियर्स हो, IUDs हो, इन सब के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर इनका यूज़ करें तो सबके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनमें से जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये तीनों साइड इफ़ेक्ट होंगे, छोड़कर कौन से साइड इफ़ेक्ट को, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है वो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये किसका साइड इफ़ेक्ट होता, ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या श्रोनिसोथस रोग है वो किसका एग्जाम्पल होगा, ये सिम्टम होगा, ये सिम्टम जो होगा वो STDs का होगा। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन विच द कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड। 10 से 17 दिनों के बीच का जो फर्टाइल पीरियड माना जाता है जिसमें ओव्यूलेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी ओव्यूलेशन लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड सेशन पे ओव्यूलेशन होता है, तो लगभग 14-15 डे ओव्यूलेशन होता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 टू 17 डेज का जो बीच का ड्यूरेशन होता है वो उसका फर्टाइल पीरियड है। क्या कहेंगे उसको, वो उसका फर्टाइल पीरियड है। उस फर्टाइल पीरियड में अगर कॉपुलेशन मेटिंग होती है तो उसमें प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर, इसलिए ऐसे टाइम ड्यूरेशन में अगर वो मैटिंग को अवॉइड करे कपल तो क्या कहेंगे इसको, ये आवधिक संयम या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या होगा, आवधिक संयम या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, थर्ड आवधिक संयम। क्लियर, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 102, ये अब जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इसमें आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखें भाई, जेनेटिक्स में क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी जो है वो ध्यान कंसंट्रेट नहीं रहा, थोड़ा सा भी अगर आपने गलत तरीके से उस क्वेश्चन को ले लिया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्लियर, क्वेश्चन पूरा ढंग से समझें उसके बाद उसका आंसर देने। पहले, ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स both having genotype AABBCC, what proportion of offspring will be of genotype AABBCC? Clear? अब आप इसमें देखें, a trihybrid cross is made between two plants both having genotype AABBCC. It means क्या है genotype इनका, तीनों ही क्या है heterozygous हैं, तो इनके अंदर heterozygous condition में
अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से हैं, ए ए बी बी सी सी, क्लियर। ये प्लांट है और इसमें क्या दिया हुआ है, हैविंग जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी ऑफ जीनोटाइप। तो दूसरा भी पेरेंट कैसा है, ये सपोज दैट मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट है, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट जो है वो किस टाइप के हैं, ए ए बी बी सी सी, क्लियर। अब इनमें आप देख रहे हो भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में तीन हेट्रोजाइगस है, इट मीन्स प्रोजेनी कितनी बननी चाहिए, इसमें ट्राई हाइब्रिड है तो गैमिट्स 8 बनेंगे, 2 की पावर जो है 3, तो 2 की पावर 3 गैमिट्स 8, क्लियर। नंबर ऑफ जाइगोट्स, नंबर ऑफ जाइगोट्स के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ जाइगोट्स में इसमें क्या बताएंगे, इसके प्रोजेनी कितनी बन रही है, तो प्रोजेनी कितनी बनेगी, ये तो किसके लिए 2 की पावर n, वो आएगा गैमेट्स के लिए, और 2 की पावर, ये 3 की पावर n, ये 3 की पावर n, ये किसके लिए आता है, जीनोटाइपिक कैटेगरी के लिए, और 4 की पावर n ये आता है प्रोजेनी के लिए। तो प्रोजेनी कितनी बननी चाहिए, 4 की पावर n, तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब प्रोजेनी कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। अब 64 प्रोजेनी जो है वो इसमें बनेंगी। अब इसमें जो प्रोजेनी बता रहा है वो किस टाइप की, कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी ऑफ जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी, तो इस टाइप की प्रोजेनी आपको लेना है ए ए, और ये दूसरी प्रोजेनी जो है वो कैसी है, ए ए बी बी एंड सी सी, क्लियर। इस टाइप की प्रोजेनी जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कितनी होंगी, तो सब में अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटी लेके देख लो आप, मोनो हाइब्रिड करवा करवा के इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर देखें, तो मोनो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी आप अगर आप देखोगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए इनका क्रॉस करवा रहे हो, तो इस टाइप की प्रोजेनी कितनी आएगी, इस टाइप की प्रोजेनी जो है वो इससे कितनी आएगी, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए वाली जो प्रोजेनी है वो 1/2, 1/2 जो है वो इस टाइप की प्रोजेनी आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद सेकंड क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी इनका करवाओगे तो इस टाइप की जो प्रोजेनी आती है स्मॉल बी वो कितनी आएगी, 4 में से 1 प्रोजेनी जो है वो इस टाइप की आएगी, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी इनका क्रॉस करवा रहे हो तो कैपिटल बी फिर कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी कितनी आ रही है, 1/4, तो स्मॉल बी जो प्रोजेनी आएगी वो कितनी आ रही है इसकी, 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद थर्ड आप मोनो हाइब्रिड ले लो इनका, इनका मोनो हाइब्रिड लोगे तो क्या आएंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी इसका क्रॉस करवा रहे हो तो कैपिटल सी स्मॉल सी आ रही है, कैपिटल सी स्मॉल सी आने का मतलब 1/2 ही हो गए, कैपिटल सी स्मॉल सी है वो सेम इसकी तरह का क्रॉस हो रहा है, तो ऐसी प्रोजेनी कितनी आएंगी, कैपिटल सी स्मॉल सी वाली, यानी इसी टाइप से ऐसी प्रोजेनी 1/2 आती है, 4 में से 2 आ रही है, इट मीन्स 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इनको आप देखें तो क्या जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 2 4 द 8, 8 4 द 16, तो 1/16, तो 1/16 है वो इनमें से कौन से रिप्रेजेंट हो रहा है, 1/16 ये भी नहीं आ रहा, 2/16 है ये, 1/16 रेशियो इससे रिप्रेजेंट होगा, तो ये क्या आ रहा है, 1/16 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोजेनी आपको मैंने बता दी कितनी है, कितनी आनी चाहिए 64, तो आनी प्रोजेनी आएगी 64, तो 64 प्रोजेनी आएगी, तो या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। अब इसमें रेशियो क्या आना चाहिए, 1/16 वाला जो रेशियो आएगा वो इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो 1/16 का रेशियो किसमें आ रहा है, इसमें 1/16 का रेशियो आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आपको इस तरह का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस अगर दिया हुआ हो, प्रोजेनी का जीनोटाइप दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, उसमें हर एक जीन के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लें, और वो प्रोबेबिलिटी आने के बाद जो है वो उन सारी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके और उसके करेक्ट आंसर ले लें, क्लियर। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, फीमेल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रोस्ड विद मेल कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर द गैमिट्स सेल बी। तो गैमिट्स इसमें आप देख रहे हो भी किस टाइप के गैमिट बनेंगे, जैसे इनके अंदर आप देखें एक फीमेल जो है वो तो कैसी है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये मेल और फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल क्या होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड मेल कैपिटल वाई स्मॉल आर क्लियर। ये कितने तरह के गैमिट्स बना सकता है, इसमें आप इसको किसी से भी आपस में क्रॉस करवाओगे तो कौन कौन से गैमिट बन सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो मेल गैमिट तो ओनली वन टाइप बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फीमेल कितने टाइप के गैमिट्स पॉसिबल है गैमिट फीमेल में बनने, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा गैमिट बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड गैमिट बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, फोर्थ गैमिट बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये सारे फीमेल गैमिट और ये एक मेल गैमिट बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फीमेल कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, गलत है। फीमेल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई कैपिटल आर ये, एंड मेल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये गलत हो गया इसमें, तो ये गलत हो गया। और इसके अंदर जो है वो फीमेल में कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ नहीं आएगा, वाई के साथ आर आएगा, चाहे वो कैपिटल आर आए या फिर वो स्मॉल आर आए, क्लियर। तो ये इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा, इसमें कैपिटल वाई फीमेल कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्लियर। एंड मेल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका थर्ड आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 104 इसमें दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी ई ई इन एफ टू जनरेशन इज। तो इनके अंदर एफ टू जनरेशन में किसकी प्रोबेबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ई स्मॉल ई, क्लियर। इस टाइप से इनके अंदर ये जो है वो जीनोटाइप आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप ए ए बी बी सी स्मॉल सी कैपिटल ई स्मॉल ई इन एफ टू जनरेशन इज, एफ टू जनरेशन में इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब आप यहाँ देख रहे हो हेट्रोजाइगस तो इसमें कितने हैं, हेट्रोजाइगस 1, 2 एंड 3 हेट्रोजाइगस 3 हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो जीन पेयर कितने हैं, इसमें प्रोजेनी की पूछ रहा है कि जिस प्रोजेनी इस टाइप की प्रोजेनी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्लियर। इसका मतलब जीन पेयर है वो कितने हैं, 4 जीन पेयर है, तो 4 जीन पेयर है इट मीन्स जो प्रोजेनी बनेगी वो कितनी आनी चाहिए। इसके लिए प्रोजेनी के लिए जो है वो एक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, 4n, 4n वाला जो है वो अप्लाई करेंगे। जीन पेयर कितने हैं, 4 जीन पेयर है, तो 4 जीन पेयर हैं इट मीन्स 4 की पावर 4 कितने आने, तो 4 की पावर 4 है तो कितने होंगे, 256 प्रोजेनी बनेगी, क्लियर। यहाँ तक पहली चीज़ तो ये आ गई कि 256 जो है वो प्रोजेनी बनेगी। अब आप इनमें देखें कि प्रोजेनी जो 256 वाली प्रोजेनी है वो किस में आ रही है, 256 प्रोजेनी पहले में ही हो रही है एक तो। अब उसके बाद इनके अंदर जो है वो टोटल प्रोजेनी है ये। अब इन टोटल प्रोजेनी में आपको ये इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। थ्री हेट्रोजाइगस है जनरली प्रॉपर्टी जो है वो उसके अकॉर्डिंग फिनोटिपिकली जो है वो अगर हम देखें तो इस टाइप के फिनोटाइप जो है वो जो आएंगे वो कितने होंगे, 3 जो है वो इसमें जीन है
हेट्रोजाइगस, तो इस कंडीशन में जो है वो क्या आ जाएंगे इनमें, एट प्रोजेनी जो है वो इस टाइप की होगी, कितने में से, 256 में से। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट 105 में दिया हुआ है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ मेल पेरेंट अकॉर्डिंग टू गिवन पनेट स्क्वायर। इस पनेट स्क्वायर में के अनुसार नरजनक का जीनोटाइप क्या होगा? तो मेल जो है उसका जीनोटाइप आपको देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो भी इस साइड जो दे रखे हैं गैमेट, तो वो क्या दे रखे हैं, फीमेल गैमेट दे रखे हैं, ये फीमेल गैमेट यहाँ दे रखे हैं, और यहाँ से जो है वो इसमें मेल गैमेट आपको बताने हैं कि यहाँ मेल गैमेट जो है वो कौन से हो जिसके कारण से ये इस टाइप की प्रोजेनी आ जाए। इसमें अगर मेल जो है उसमें आपको प्रोजेनी देख रही है, तो ये इनके अंदर फीमेल गैमेट कितने टाइप के बन रहे हैं, फोर टाइप के फीमेल गैमेट बन रहे हैं, ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी। अब यहाँ जो प्रोजेनी दे रखी है, यहाँ जो दे रखी है वो क्या है, प्रोजेनी है। अब प्रोजेनी है इसका मतलब आपको क्रॉस किसके साथ क्रॉस हो जिसके कारण से इस टाइप की प्रोजेनी आ जाए। तो इनके अंदर आप देखें, सपोज दैट ये अगर आप लेके देख रहे हैं कि ये मेल जो है उसका जीनोटाइप इस टाइप का है, तो इस कंडीशन में दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब स्मॉल ए कैपिटल बी एक ही तरह का गैमेट बन रहा है हर जगह, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब इस स्मॉल ए कैपिटल बी का क्रॉस इनसे करवाएंगे, तो स्मॉल ए कैपिटल बी का क्रॉस अगर मान लो इससे करवाया आपने, तो ये क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसका क्रॉस करवाने पे प्रोजेनी कैसी आएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, जबकि फर्स्ट प्रोजेनी ऐसी नहीं आ रही। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये लेके देखें, ये लेके देखोगे तो गैमेट कितने तरह के बनेंगे, इसमें केवल एक ही गैमेट बनेगा इसका, कैपिटल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए स्मॉल बी का क्रॉस किससे करवाना आपको, कैपिटल ए स्मॉल बी का क्रॉस सपोज दैट कैपिटल ए कैपिटल बी से करवाया, इससे आप इसका क्रॉस करवाओगे तो प्रोजेनी क्या बनेगी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। पहला सही आ रहा है। दूसरा करवा के देखो क्या है इनमें, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरा जो है वो ये भी क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी है। समझ में आ गई? दूसरे के लिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि सही है या गलत है, तो ये दोनों को क्रॉस करवाओगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए उसमें कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। दूसरा भी सही आ रहा है। तीसरे में ऐसे करोगे सही आएगा। क्लियर? इसका मतलब करेक्ट जो है वो क्या होगा, इसमें सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 106 में, इसमें दिया हुआ व्हाट इज ट्रू फॉर जीन्स ऑफ टू कैरेक्टर इन डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो है मेंडल के द्विसंकरण संकर क्रॉस में दो लक्षणों के जीन के लिए क्या सत्य है, इनमें से करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देखें, जीन फॉर बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड डज नॉट इफेक्ट ईच अदर। क्या बता रहे हैं, जीन फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दोनों लक्षणों के जीन्स भिन्न समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो इनमें सही है, पहला स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है कि समजात गुणसूत्रों पर, दो भिन्न समजात गुणसूत्रों पर अगर ये स्थित है जीन्स, तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे को कहीं प्रभावित नहीं करते। जो मेंडल ने बताया था आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग कि जब दो या दो से अधिक जीनों की इनहेरिटेंस एक साथ होती है, तो कहीं भी दोनों जीन्स एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते हैं और दोनों के बीच किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, इंडिपेंडेंट अशोर्ट करते हैं। क्लियर? तो मेंडल के अकॉर्डिंग ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद बी स्टेटमेंट पे आते हैं।
result of dihybrid cross is called as linkage. Dihybrid cross का result जो है उसको linkage नहीं कहते, क्योंकि Mendel ने कहीं भी linkage के लिए कोई term linkage जैसी use नहीं की थी, और linkage को Mendel ने कहीं observe भी नहीं किया था. Clear? तो ये incorrect हो गया. C, independent assortment is based on dihybrid cross. जो third law Mendel ने दिया था वो पूरी तरीके से किस पर बेस्ड था? डाईहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड था. फर्स्ट और सेकंड जो लो थे वो किस पर बेस्ड थे? वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे दिए थे, और थर्ड लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लो वो दिया था डाईहाइब्रिड क्रॉस बेस पे. तो ये करेक्ट है. उसके बाद डी, जीन्स फॉर सीड कलर एंड सीड शेप आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम. सीड कलर और सीड शेप की जो जीन होती है वो सेम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होती है, ये भी इनकरेक्ट है. इसका मतलब इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए? ए एंड सी, ये स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है. समझ गया ना? ए स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी और डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए. क्लियर? अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट 106, इसके बाद 106 के बाद देखें 107, आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एट 100 इंडिविजुअल. इसमें क्वेश्चन समझ लेना ढंग से. आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 800 इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड येलो राउंडेड सीड एंड ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ येलो रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स. कौन कौन से प्लांट्स का क्रॉस करवा रहे हैं? Out of a population of 800 individual in F2 generation of a cross between hybrid yellow round seed. Hybrid yellow round seed, it means capital Y small y, capital R small r. Hybrid ka manenge isko, capital Y, capital R small r. So hybrid yellow rounded seed and green wrinkled seeded plants. Dusra plant kaun sa le rahe? Green wrinkled. Green wrinkled plants, it means small y, small r, small r. ये हो गया इसमें. अब इनमें आप देखें कि यहाँ जो गैमिट बनेंगे कितने टाइप के गैमिट बनेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर. ये जो गैमिट बनाएंगे वो फोर टाइप के गैमिट बनाएंगे, और स्मॉल वाई स्मॉल आर इसमें केवल एक टाइप का गैमिट बनेगा. इट मीन्स किस टाइप का हो गया? डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया एक तरीके से. इसको अगर देखें तो ये किस टाइप का हो गया? डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ही हो गया. क्यों? इसमें आप देख रहे हो हाइब्रिड येलो राउंडेड सीड, येलो राउंडेड सीड, तो येलो एंड राउंडेड, और वो भी कैसा है? हाइब्रिड है, ऐसा आ गया. क्रॉस ग्रीन रिंकल्ड सीड, ग्रीन रिंकल्ड सीड के लिए ये आ गया. अब इनका आप क्रॉस करवा रहे हैं तो पूछा क्या है? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ येलो रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स. तो येलो रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स है वो कितने आएंगे? तो इनके अंदर आप देखें कि क्रॉस करवाना है आपको किस किस का? स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ इसके जो फोर गैमिट्स बनेंगे उनके साथ इसको क्रॉस करवाना, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर. अगला तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड नेक्स्ट स्मॉल वाई स्मॉल आर. क्लियर? ये फोर गैमिट बन रहे हैं इसके, और इसमें एक सिंगल गैमिट बन रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर. क्रॉस करवाया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई, उसमें नेक्स्ट क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके बाद स्मॉल आर, नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर. ये क्रॉस करवाए. अब पूछा क्या आपको इसमें? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड इनमें से कौन सा है? ये येलो राउंड, ये येलो रिंकल्ड, ये ग्रीन राउंड एंड ये ग्रीन रिंकल्ड. तो येलो राउंड कौन सा है? ये येलो एंड राउंड है. येलो राउंड जो है वो ये है. कितने में से? फोर में से वन है. तो फोर में से वन है, इट मीन्स 1/4 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है? कितनी पॉपुलेशन में से लेना है? 800 में से, 800 पॉपुलेशन में से आपको लेना है, तो कितने आ जाएंगे?
200 सीड्स जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, 200 सीड्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनमें से कौन सा अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल नहीं है। तो अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, फ्लोवर कलर इन स्नैपड्रैगन, ये ध्यान आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, जिसमें रेड और वाइट फ्लोवर के कारण जो है वो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आती है वो कैसी आती है, पिंक फ्लोवर वाले आते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, मीडियम साइज के जो स्टार्च ग्रेन बनते हैं वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, स्टार्च कणों का मध्यम आकार ये भी इसको शो करता है। फ्लोवर कलर इन फोर ओ क्लॉक प्लांट भी क्या है, एंटीनाइनोमेजस, इसके अंदर भी ये शो होता है। कॉम्ब पैटर्न इन एंडुलेशन फाउल जो है उनके अंदर कॉम्ब पैटर्न जो होता है, पी कॉम्ब, रोज कॉम्ब, वॉलनट कॉम्ब, ये सारे जो है वो किसको शो करते हैं, कोलेबोरेटिव जीन को शो करते हैं। तो ये कहीं भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो नहीं करता। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, कॉम्ब पैटर्न वाला जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्ब पैटर्न वाला जो है वो कोलेबोरेटिव जीन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये इसमें करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 109, ए प्लांट ऑफ एफ वन जनरेशन एज जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी, ऑन सेल्फिंग दिस प्लांट द फिनोटाइपिक रेशियो इन एफ टू जनरेशन विल बी। एफ वन प्लांट है, इस ए प्लांट ऑफ एफ वन जनरेशन हैज जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी, ऑन सेल्फिंग दिस प्लांट, इस प्लांट की सेल्फिंग करवा रहे हैं, कौन सा प्लांट है, प्लांट है ए ए बी बी कैपिटल सी कैपिटल सी। अब इनमें हेट्रोजाइगस जो है वो कितने हैं, जीनोटाइप कुछ भी दे रखा हो आपको क्या देखना होता है, इसमें हेट्रोजाइगस जो है वो आपको देखना है कि हेट्रोजाइगस कितने हैं, समझ गए। तो इस पेरेंट के अंदर जो हेट्रोजाइगस है वो कितने हैं, ओनली वन हेट्रोजाइगस है। इट मीन्स किस तरह का क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वन टाइप का है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो दो तरह के गैमेटी बनेंगे, इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो तरह के गैमेटी बनेंगे, और इसमें आप आगे दे रखा है, ऑन सेल्फिंग दिस प्लांट द फिनोटाइपिक रेशियो इन एफ टू जनरेशन विल बी। एफ टू जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया भाई, इसमें जीनोटाइप कुछ भी दे रखा है लेकिन हेट्रोजाइगस कितने हैं, एक ही हेट्रोजाइगस, इसका मतलब एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट 110, एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टू एलील्स प्रोड्यूसेस 1 million स्पर्म्स, हाउ मेनी स्पर्म्स विल हैव बोथ द रिसेसिव एलील्स। कोई भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल के अंदर हेट्रोजाइगस फॉर टू एलील्स, दोनों एलील्स के लिए हेट्रोजाइगस है, ये हो गया, दोनों ए और बी एलील के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और उसमें दे रखा है प्रोड्यूसेस 1 million स्पर्म्स, स्पर्म्स कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 1 million, हाउ मेनी स्पर्म्स विल हैव बोथ द रिसेसिव एलील, इनमें से दोनों रिसेसिव एलील हो, इसका मतलब कौन से, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी वाले जो है वो एलील वाले स्पर्म्स कितने होंगे, तो इसके गैमेट्स कितने टाइप के बन रहे हैं, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकंड गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी, थर्ड गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी, फोर्थ गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर। अब इनमें आप देखें कि जिसमें हाउ मेनी स्पर्म्स विल हैव बोथ द रिसेसिव एलील्स, तो दोनों रिसेसिव एलील्स जो है वो कितने में, ए बी एक में है, कितने में से, 4 में से 1 में, तो 1/4 इंटू 1 million है, तो 1 million है, इट मीन्स क्या जाएगा, 1 million का 1/4 करोगे तो कितना रहेगा, 0.25 million, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये इनके अंदर 1/4 हो जाएगा, 1 मिलियन का टोटल, 1 मिलियन स्पर्म बना रहा है, तो इनमें से इस टाइप के कितने बन जाएंगे, उसके 1/4 हो जाएंगे, 0.25 मिलियन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट 111, 111 में इसमें दिया हुआ है द फिनोमिनाइन विच एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक जीन की एलील दूसरे जीन की एलील को सप्रेस कर देती है, उसको एक्सप्रेस होने से रोक देती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एपिस्टेसिस प्रबलता। क्या कहेंगे इसको, एपिस्टेसिस या प्रबलता कहेंगे। दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन है जिसमें एक जीन अपने, एक जीन का दो एलील है जिनमें एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को रोक रहा है, तो जीन में एक जीन में दो एलील है जिसमें एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, दैट इज डोमिनेंस। और दोनों जीन ही सेपरेट जीन है जिसमें एक जीन का एलील किसी अनदर जीन के एलील को सप्रेस करता है, तब क्या कहेंगे उस कंडीशन को, दैट इज एपिस्टेसिस। तो ये एपिस्टेसिस या प्रबलता होगी, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप देखें 112, 112 में इसमें दिया हुआ है इफ टी टी आर आर जीनोटाइप इज क्रोज्ड विद स्मॉल टी टी आर आर विच वन इज ट्रू फॉर ऑब्टेंड रेशियो, क्लियर। क्या दिया हुआ है, इसमें एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रोज्ड विद स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके साथ इसको क्रॉस करवा रहे हैं, विच वन इज ट्रू फॉर ऑब्टेन रेशियो, इसके लिए करेक्ट रेशियो क्या आना चाहिए। अब आप इसमें जनरली समझ सकते हो इट किसकी तरह का रेशियो आएगा, एक क्रॉस हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक ए टेस्ट क्रॉस, जहाँ हेट्रोजाइगस है और इस हेट्रोजाइगस का क्रॉस जो है वो किसके साथ करवा रहे हैं, एक रिसेसिव पेरेंट के साथ करवा रहे हैं, क्लियर। यहाँ तक ये हेट्रोजाइगस है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया एक तरीके से, कैसा हो गया, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आता है वो आपको ध्यान होगा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है 1:1:1:1, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है, क्लियर यहाँ तक। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो इसमें आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में देखा है 300 टोल राउंड एंड 102 ड्वार्फ रिंकल, क्लियर। इनकरेक्ट हो गया, 3:1 हो गया ये, 3:1 किसका आता है, मोनो हाइब्रिड का, वो भी फिनोटाइप। अगले में 105 टोल राउंड एंड 101 ड्वार्फ रिंकल, क्या रेशियो आ रहा है, 1:1, लगभग रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 का रेशियो आ रहा है, लेकिन ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो है, किसका रेशियो है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, ये क्या चल रहा है, ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। आगे जो है वो नेक्स्ट देखें, 26 टोल राउंड, 24 टोल रिंकल, 25 ड्वार्फ राउंड एंड 22 ड्वार्फ रिंकल, क्या रेशियो आ रहा है, 1:1:1:1:1, लगभग 1:1 के रेशियो में आ रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट थर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप देखें फोर्थ में 100 टोल राउंड एंड 200 ड्वार्फ रिंकल, 100 टोल राउंड एंड 200 ड्वार्फ रिंकल रेशियो क्या आ रहा है, 1:2, ये किस कंडीशन में आता है, 1:2 का रेशियो जो है वो जनरली लीथल जीन वाली कंडीशन में आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। आगे नेक्स्ट 113, 113 में इसमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्रॉस ए ए बी बी सी सी एंड ए ए बी बी सी सी विल बी कम्प्लीटली हेट्रोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स। अब यहाँ आपको दोनों पेरेंट्स देखने हैं, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्रॉस ए ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, इसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, क्लियर। अब यहाँ एक चीज आप देखें,
कि यहाँ इसमें जो गैमिट बनेंगे वो ओनली एक ही टाइप के गैमिट बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसमें एक ही टाइप के गैमिट बनेंगे। इसमें कितने टाइप के गैमिट पॉसिबल है, इसमें कितने गैमिट पॉसिबल है? यहाँ तो आप देख रहे हो भाई हेटरोजाइगस एक भी नहीं है, तो हेटरोजाइगस एक भी नहीं है इसका मतलब गैमिट बनाएगा एक, केवल ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इसके अंदर जो है वो हेटरोजाइगस तीन है, तो हेटरोजाइगस तीन है तो यहाँ गैमिट कितने बनेंगे? एट, यहाँ एट टाइप के गैमिट बनेंगे। क्लियर? अब इसमें पूछा है विल बी कंप्लीटली हेटरोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स, सारे हेटरोजाइगस जो है वो तीनों जीन्स के लिए हेटरोजाइगस जो प्रोजेनी आएगी, तो ये एक गैमिट बना रहा है, ये एट गैमिट बना रहा है, क्रॉस करवाओगे इनका तो ये, जैसे मान लो एक क्रॉस अगर आप करवा रहे हो तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और यहाँ जो गैमिट बनेंगे वो कितने टाइप के गैमिट बनेंगे? ये यहाँ आपको ध्यान है भी एट टाइप के गैमिट्स बन जाएंगे, समझ में आ रही है? एट टाइप के गैमिट्स का क्रॉस इसके वन टाइप के गैमिट से होगा, तो एट इंटू वन प्रोजेनी कितनी बनेगी? एट प्रोजेनी बनेगी। तो यहाँ तो गैमिट एक ही टाइप का बन रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ गैमिट बन रहे हैं एट टाइप के, तो प्रोजेनी कितनी बनेगी? यहाँ एट टाइप के गैमिट्स बन रहे हैं तो प्रोजेनी इनका क्रॉस करवाओगे तो एट टाइप की प्रोजेनी बनेगी। अब इन एट प्रोजेनी में आपको कौन सा बताना है? इसमें हेट्रोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स, इसका मतलब तीनों जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस, एक ये पेरेंट है, इस पेरेंट के जैसी जो है वो प्रोजेनी कितनी आएंगी? तो पेरेंटल, जस्ट लाइक कंप्लीट पेरेंटल जो प्रोजेनी आती है वो कितनी आती है? एक प्रोजेनी जो है वो कंप्लीटली पेरेंट जैसी आती है, समझ में आ गई? इधर एक प्रोजेनी कंप्लीट पेरेंट जैसी आएगी, इधर लास्ट प्रोजेनी कंप्लीट पेरेंट जैसी आएगी। क्लियर यहां तक? तो एक प्रोजेनी जो है वो कंप्लीट पेरेंट जैसी आती है, तो 1/8 जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट आंसर जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो 8 में से एक प्रोजेनी ऐसी होगी जिनके अंदर क्या होगा, कंप्लीटली हेटरोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स। कंप्लीटली हेटरोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स का मतलब क्या है? इस पेरेंट जैसी कितनी प्रोजेनी आएगी, तो कोई भी ये पेरेंट हो या ये पेरेंट हो, उस पेरेंट जैसी जो प्रोजेनी आती है वो हमेशा क्या आती है? 1 आती है, तो 1/8 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, 114 में दिया हुआ हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्मड इन एफ टू प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ पोलिनेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड F1। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जो है वो एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एन की वैल्यू 2 है, और उसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप आर फॉर्मड इन एफ टू प्रोजेनी, जीनोटाइपिक कैटेगरी पूछी है। तो जीनोटाइपिक कैटेगरी के लिए जो फॉर्मूला होता है, जीनोटाइपिक कैटेगरी कितनी तरह की बनेगी उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? जीनोटाइपिक कैटेगरी के लिए फॉर्मूला होता है 3 की पावर n। तो 3 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो 3n कितना है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो क्रॉस जो है वो कैसा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब n की वैल्यू 2 है, तो इसमें n की जगह 2, तो कितने टाइप की जीनोटाइपिक कैटेगरी आ जाएगी? 9 टाइप की जो है वो इसमें जीनोटाइपिक कैटेगरी होगी। क्लियर? करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्लियर? उसके बाद आप देखें 115, व्हेन ए डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस टुगेदर इट इज कॉल्ड, जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील से एक साथ जो है वो अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे हो, क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस। और दोनों में से एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, डोमिनेंस। एम्फीडोमिनेंस जो है वो क्या होता है? ये भी जो है वो कोडोमिनेंस की तरह होता है, लेकिन पर्टिकुलर जो है वो सब कैरेक्टर्स इसमें जो है वो केवल कुछ में अप्लाई होगा। शुडो डोमिनेंस में भी जो है वो रियल में डोमिनेंस नहीं होता, लेकिन अपियरेंस जो है वो कई जगह करवा देता है। तो इनमें ऐसी कंडीशन में जहाँ दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो क्या कहेंगे उसको? कोडोमिनेंस कहेंगे। तो ये कोडोमिनेंस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 116 में आप देखें 116, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, में से ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखा सब्जेक्ट विच डील्स विद द इनहेरिटेंस,
as well as variation of characters from parents to offspring is known as eugenics. It is wrong. Eugenics नहीं होता, क्या होता है ये? Genetics कहेंगे इसको. तो ये अपने आप में wrong statement. तो ये false हो गया. उसके बाद आप second देखें, inheritance is the process by which characters are passed on from parents to their progeny. It is basis of heredity. ये correct है, true statement है. तो ये true statement हो गया. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. Variation जो है वो क्या होती है? ये एक कोटि होती है, एक श्रेणी है जिसमें संततियां अपने जनकों से भिन्न होती है. ये भी अपने आप में करेक्ट है. तो ट्रू स्टेटमेंट है. ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज सॉरी वेरिएशन इज द डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये अपनी पेरेंट्स से जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो ये इसकी डिग्री क्या होगी? ये इसमें वेरिएशंस है. उसके बाद है ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 800 to 1000 BC दैट वन ऑफ द causes of variations was hidden in asexual reproduction. ये false है. Asexual reproduction में ये hidden नहीं होता. Sexual reproduction के कारण जो है वो इनके अंदर कुछ नई variations आती हैं और उन नई variations के कारण नई progeny produce होते हैं. तो ये भी कैसा हो गया? False हो गया. किस कारण से? Asexual reproduction आया इसलिए false है, क्योंकि asexual reproduction में variations नहीं आती. तो false, true, true, false. तो उसके according जो फर्स्ट फॉल्स और उसके बाद जो है वो इनमें क्या रहेगा? फर्स्ट फॉल्स होगा, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू और उसके बाद तो फर्स्ट फॉल्स फिर ट्रू ट्रू फॉल्स. तो क्या आ जाएगा? सेकंड इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 117 मेंडल formulated the law of purity of gametes on the basis of Mendel ने law of purity of gametes या law of segregation जो है वो किस experiment के बेस पर उन्होंने law of segregation या law of purity of gametes दिया था? तो किस बेस पे दिया था उन्होंने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर जो है वो Mendel ने ये बताया था. क्लियर? उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दो लॉ दिए थे इन्होंने. कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्लियर? उसके बाद आप देखें 100 उसमें है, ये हो गया प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का. और उसके बाद आप 118 इन मिरेबिलिस रेड एंड वाइट फ्लोवर प्रोड्यूसेस ए पिंक हाइब्रिड फ्लोवर. ए कौन कौन से हैं? एक तो रेड है, एक वाइट है, इनके बीच क्रॉस हो रहा है. तो रेड और वाइट फ्लोवर के बीच क्रॉस होने से जो अगली प्रोजेनी आ रही है वो कैसी आ रही है? हाइब्रिड पिंक फ्लोवर वाला प्लांट आ रहा है. ए प्लांट विद पिंक फ्लोवर इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लोवर. पिंक फ्लोवर वाले प्लांट जो है उसको वाइट फ्लोवर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं. इट मीन्स ये भी किस टाइप का हो गया? ये भी एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. पिंक फ्लोवर का मतलब क्या रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर. इसका क्रॉस किसके साथ कराना है? प्लांट विद पिंक फ्लोवर इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लोवर. वाइट फ्लोवर मीन्स स्मॉल आर स्मॉल आर. इसके साथ इसका क्रॉस करवा रहे हैं तो अगली जनरेशन जो है वो कैसे आएगी? द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो इज, अगली जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर. फिर दूसरा भी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर. वही 1:1 का, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हो रहा है ना, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस में 2:2 तो 1:1 हो गया. तो 1:1 आ रहा. तो ये 1 कैसे हैं? ये तो पिंक और ये 1 कैसा होगा? ये वाइट होगा. तो ये इनमें पिंक वाइट जो है वो 1:1 के रेशियो में आएंगे. सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. गुलाबी और सफ़ेद दोनों ही केस कितने हो जाएंगे? 1:1 जो है वो दोनों हो जाएंगे. क्लियर? उसके बाद आप देखें 119 में इसमें दिया हुआ है विच स्टेटमेंट अबाउट एलील्स इज नॉट ट्रू. एलील के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है देयर मे बी सेवरल एट लोकस. एक लोकस पर अनेक हो सकते हैं. एक लोकस पर जब एक से ज़्यादा होते हैं
तो हम क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें पॉसिबल है ये, तो करेक्ट है इसके लिए। नॉट ट्रू पूछा इसमें, इनकरेक्ट जो है वो बताना आपको। नेक्स्ट है, वन मे बी डोमिनेट ओवर अनदर, ये भी करेक्ट है। एक एलील दूसरे पर डोमिनेंट हो सकता है, दे मे सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी ये शो करते हैं। अगर एक दूसरे पर डोमिनेट हो रहा है तो कंप्लीट डोमिनेंस को, एक जो है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होकर एक डिफरेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब क्या कहेंगे उसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी शो करता है। उसके बाद आप देखें, दे कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोजोम, ये क्या करते हैं, दे कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोजोम, एक ही गुणसूत्र पर भिन्न लोकस पर हो सकते हैं। अगर डिफरेंट लोकस पर प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन में हम उनको एलील कह ही नहीं सकते। एलील्स का मीनिंग क्या होता है, द टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड इन सेम लोकस इन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर अगर प्रेजेंट है तो ही हम उसको एलील कह सकते हैं। इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया, दे कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई, डिफरेंट लोकाई पर अगर प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम के तो हम उसको एलील नहीं कह सकते। क्लियर? तो ये फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 120, इन पी प्लांट येलो सीड इज डोमिनेंट ओवर, येलो सीड किसके ऊपर डोमिनेंट है, येलो सीड इन पी प्लांट, येलो सीड वाई इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड स्मॉल वाई इन द एफ टू जनरेशन ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस दैट बिगिंस व्हेन ए डोमिनेंट होमोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद ए रिसेसिव होमोजाइगोट यू वुड एक्सपेक्ट। इससे क्या होगा, इसके अंदर आप देख रहे हो भाई कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, दूसरा क्या है, स्मॉल वाई है। क्लियर? डोमिनेंट ओवर स्मॉल इसमें और ग्रीन सीड इन द एफ टू जनरेशन ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस दैट बिगिंस व्हेन ए डोमिनेंट होमोजाइगोस, तो डोमिनेंट होमोजाइगोट और डोमिनेंट हेट्रोजाइगोस, ये इसमें सॉरी डोमिनेंट होमोजाइगस और रेसेसिव होमोजाइगोट, तो डोमिनेंट और रेसेसिव होमोजाइगोट से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो पहली प्रोजेनी तो कैसी आ जाएगी, हेट्रोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगस आ जाएगी, लेकिन कैसी होगी, येलो सीड वाली येलो होंगी। और उसके बाद इससे एफ टू जनरेशन अगर लेंगे तो एफ टू जनरेशन में जो है वो क्या आएंगे, एफ टू जनरेशन में कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये तीन डोमिनेंट हो जाएंगे और ये एक रिसेसिव हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ओनली वन प्लांट्स, ये इसमें क्या दे रखा, ओनली प्लांट्स विद जीनोटाइपिक कैपिटल वाई वाई और स्मॉल वाई वाई, गलत है, कुछ कैसे आएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले भी आएंगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्लांट्स विद वन येलो सीड फॉर एवरी ग्रीन सीड, ये भी इनकरेक्ट है, केवल एफ टू में एक ग्रीन एक येलो नहीं आता। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस थ्री ग्रीन सीड्स टू एवरी येलो सीड, थ्री ग्रीन सीड नहीं आते क्योंकि ये रेसेसिव है, तो रेसेसिव जो है वो कितना आता है, वन, और डोमिनेंट जो आता है वो आता है थ्री। नेक्स्ट है, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस थ्री येलो सीड्स टू एवरी ग्रीन सीड, हर एक ग्रीन सीड के साथ जो है वो तीन येलो सीड जो है वो प्रोड्यूस होंगे, रेशियो इसका 3:1 का आता है एफ टू जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो, तो करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा इसका। क्लियर? उसके बाद 121 में आप देखें, इसमें दिया हुआ है विच स्टेटमेंट अबाउट टेस्ट क्रॉस इज नॉट ट्रू, टेस्ट क्रॉस के लिए कौन सा सही नहीं है, इज नॉट ट्रू, इट टेस्ट वेदर एन अननोन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, करेक्ट है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का पता लगाने के लिए ही टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। द टेस्ट इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, हमेशा किसके साथ करवाते हैं, जिसका भी टेस्ट करवा रहे हैं उसको होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाते हैं, करेक्ट है। इफ द टेस्ट इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस द प्रोजेनी विल हैव ए 1:1 रेशियो, अगर ये हेट्रोजाइगस है तो अगली जनरेशन जो है वो प्रोजेनी कैसी आएगी, 1:1 के रेशियो में आएगी, करेक्ट है।
उसके बाद है इफ द टेस्ट इंडिविजुअल इज होमोजाइगस द प्रोजेनी विल हैव ए 1:1 रेशियो. उस कंडीशन में प्रोजेनी 1:1 रेशियो के में नहीं आती, क्योंकि सारे के सारे जो है वो कैसे रहेंगे, ये अगर जो पूरी तरीके से होमोजाइगस है और इसके साथ इसका क्रॉस करवा रहे हो तो सारी प्रोजेनी जो है वो कैसी आएगी, सेम प्रोजेनी आएगी सारी, 1:1 का रेशियो नहीं आता है. क्लियर यहाँ तक? ये इसमें इनकरेक्ट है, तो नॉट ट्रू पूछा है, इट मीन्स फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद आप देखें 122 में इसमें दिया हुआ है ड्वार्फ पी प्लांट वाज ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड. ड्वार्फ पी प्लांट है, पहले से कैसा वो प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट है. ड्वार्फ पी प्लांट ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड के कारण से क्या होता है, लॉन्ग हो जाएगा, टॉल प्लांट हो जाएगा. द प्लांट बिकेम टॉल. ये प्लांट टॉल हो गया लेकिन जीनोटाइप चेंज नहीं होता. ये आप इसमें स्पेशल ध्यान देने की बात ये है कि इसमें फिनोटिपिकली जो है वो क्या हो गया, जिब्रेलिक एसिड जो है वो छिड़क दिया, बड़ा हो गया प्लांट, टॉल प्लांट हो गया, लेकिन उसका जीनोटाइप वही रह गया. क्लियर? तो जीनोटाइप इसका यही है. ट्रीटेड विद प्लांट, ट्रीटेड प्लांट वॉज देन क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस टॉल पी प्लांट. इसका क्रॉस होमोजाइगस टॉल पी प्लांट से करवा रहे हैं. द रिजल्ट इन एफ टू आर एक्सपेक्टेड टू बी, अब द रिजल्ट इन एफ टू, एफ टू के अंदर इसका रिजल्ट क्या आएगा, एफ वन में तो रिजल्ट आएगा ये, और एफ टू में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो क्या आ जाएगा, 3:1 का रेशियो आएगा. तो क्या आना चाहिए आंसर इसमें, टोल एंड ड्वार्फ इन 3:1, टोल और ड्वार्फ दोनों 3:1 में आएंगे. समझ में आएंगे ना, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड से ओनली फिनोटाइप चेंज हुआ है, जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा उसका. क्लियर? उसके बाद 123 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स सेपरेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर. पेरेंटल कैरेक्टर का सेपरेशन नहीं होता. सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर का पूरी तरीके से सेग्रीगेशन भी नहीं है. रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर है वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जिनके अंदर आपको ध्यान है येलो एंड राउंड सीड, येलो एंड ग्रीन सीड, सॉरी येलो एंड राउंड सीड, येलो एंड रिंकल्ड सीड आ रहे हैं, फिर ग्रीन और राउंड सीड, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड. तो दोनों का रिकॉम्बिनेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है. तो दोनों का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो पेरेंटल कैरेक्टर का रिकॉम्बिनेशन होता है. नॉन सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर ये आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर. पेरेंटल कैरेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट होके जो है वो क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप की जो है वो नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्लियर? तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट 124 स्नैप ड्रैगन फ्लोवर्स कैन बी रेड, पिंक और वाइट. तीन तरह के फ्लोवर बनते हैं इनमें. व्हेन रेड फ्लोवर्ड प्लांट्स आर क्रॉस्ड टू वाइट फ्लोवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एफ टू ऑफस्प्रिंग बीइंग होमोजाइगस इज. अब इनमें क्या क्या दे रखा है, व्हेन रेड फ्लोवर प्लांट्स आर क्रॉस्ड टू वाइट फ्लोवर प्लांट, रेड फ्लोवर प्लांट है आर क्रॉस्ड विद वाइट फ्लोवर प्लांट्स, रेड फ्लोवर प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद वाइट फ्लोवर प्लांट्स. तो वाइट फ्लोवर प्लांट्स के लिए ये हो गया, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एफ टू ऑफस्प्रिंग बींग होमोजाइगस. होमोजाइगस होने की पॉसिबिलिटी जो है वो इनकी क्या रहेगी, इनका क्रॉस करवाओगे तो पहला एफ टू में लेना है ना, तो एफ टू में लेना इसके लिए पहले जो है वो क्या करोगे, एफ वन, पहले एफ वन लेंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर. उसके बाद अगली जो जनरेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. ये एफ टू जन, ये एफ वन है और ये एफ टू जनरेशन है. पूछा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन एफ टू ऑफस्प्रिंग बीइंग होमोजाइगस. होमोजाइगस एक तो ये है और एक होमोजाइगस ये है. ये दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है. तो ये चार में से दो होमोजाइगस है, तो चार में से दो होमोजाइगस इट मीन्स 2/4, 2/4 मीन्स 1/2. तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, 1/2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. अब इसके बाद 125 प्लियोट्रोपिजीन हैज मल्टीपल इफेक्ट. प्लियोट्रोपिजीन का मतलब ही क्या होता है, एक ही जीन जो है वो मोर देन इफेक्ट शो कर रही हो, तब उस कंडीशन को कहेंगे प्लियोट्रोपी. तो प्लियोट्रोपिजीन हैज
मल्टीपल इफेक्ट, तो मल्टीपल इफेक्ट वाली जीन ही प्लियोट्रोपी होती है, क्लियर। उसके बाद 126, 126 है, गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, गैमिट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते हैं। गैमिट में जो है वो हाइब्रिड नहीं होने का मतलब जो है वो क्या होगा कि हर गैमिट एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए प्योर होता है। इसीलिए जो है वो सेकंड लॉ मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसके बेस पे दिया था उन्होंने? सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर। तो ये गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड्स, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि कभी भी गैमिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ, गैमिट्स जो सॉरी कभी भी जो इनके अंदर एलील्स है वो एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं करते। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन गैमिट बनते टाइम दोनों का सेग्रीगेशन हो जाता है, क्लियर। ये सेकंड लॉ मेंडल ने दिया था, तो सेग्रीगेशन लॉ के बेस पर जो है वो ये स्टेटमेंट दिया गया है, क्लियर। उसके बाद देखें 126 या 127 में इसमें दिया हुआ टू क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप्स इन विच द सोर्सेज ऑफ द गैमिट्स आर रिवर्स इन वन क्रॉस इज नोन एज। अगर सपोज दैट इनके अंदर जो है वो ये फीमेल ये मेल, ये इनके अंदर जो है वो ग्रीन सीड वाले ले रखे हैं और ये येलो सीड वाले ले रखे हैं, क्लियर। ग्रीन सीड और येलो सीड वाले ले रखे हैं और इसमें क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है आगे, द टू क्रॉसेज बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप्स इन विच द सोर्सेज ऑफ द गैमिट्स आर रिवर्स्ड। गैमिट्स के जो सोर्स है वो रिवर्स कर दिए, पहले ग्रीन सीड वाली फीमेल ली थी, अब इनमें मेल जो है वो ग्रीन सीड वाले ले रहे हैं, मेल ग्रीन सीड वाले और फीमेल जो है वो कौन सी ले रहे हैं, ये फीमेल है वो ले रहे हैं येलो सीड वाली, क्लियर। तो गैमिट्स के जो सोर्स है वो आपने रिवर्स कर दिए, चेंज कर दिए, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल, क्या कहेंगे इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस। दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 128 में इसमें दिया हुआ, इन स्नैप ड्रैगन टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस एंड रेड फ्लोवर्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लोवर। यानी एक तो इनके अंदर जो है वो डी स्मॉल डी पर डोमिनेंट है, इस कंडीशन में केवल टॉलनेस का कैरेक्टर ही आएगा, क्लियर यहाँ तक। और रेड फ्लोवर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लोवर, इस कंडीशन में ये इनके अंदर जो है वो क्या करेंगे, पिंक कलर को शो करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है, इन हाइब्रिड आर आर फ्लोवर कलर इज पिंक, ए प्योर टॉल वाइट इज क्रॉस्ड टू ए प्योर ड्वार्फ रेड प्लांट, देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल एंड पिंक। F1 जनरेशन में जो प्लांट आ रहे हैं वो टॉल एंड पिंक आ रहे हैं। F1 जनरेशन में ए प्योर टॉल वाइट इज क्रॉस्ड टू ए प्योर ड्वार्फ रेड, तो प्योर ड्वार्फ रेड जो प्लांट है, तो प्योर ड्वार्फ रेड प्लांट का मतलब जो है वो क्या हो गया, डी आर पूरी तरीके से जो है वो कैसा है, ये प्योर ड्वार्फ रेड प्लांट, सॉरी ये इनके अंदर जो है वो इसमें ए प्योर टॉल वाइट इज क्रॉस्ड टू ए प्योर ड्वार्फ रेड, कैसा प्लांट है। दूसरा जो है, पहला प्लांट है वो प्योर टॉल एंड वाइट, तो प्योर टॉल वाइट है, तो प्योर टॉल के लिए क्या आ जाएगा इसमें, कैपिटल डी टॉल वाइट इज क्रॉस, टॉल वाइट के लिए स्मॉल आर इज क्रॉस्ड टू ए प्योर ड्वार्फ रेड। प्योर ड्वार्फ रेड का मतलब ये ड्वार्फ और रेड के लिए क्या जाएगा, कैपिटल आर, ये हो गया। देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल एंड पिंक, तो ये क्या जाएंगे, कैपिटल डी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये ड्वार्फ, ये सॉरी कैसे आ जाएंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल एंड पिंक व्हेन F1 हाइब्रिड्स आर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, इसको सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं। देन F2 जनरेशन इज ऑब्टेंड, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड पिंक फ्लोवर्ड इन F2 जनरेशन। टॉल एंड पिंक फ्लोवर्ड जो है वो प्लांट आपको देखने हैं, तो टॉल एंड पिंक फ्लोवर्ड प्लांट है वो कितने आने चाहिए,
तो इसका ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का बनेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो चेकर बोर्ड बनाते हैं, उस चेकर बोर्ड के अंदर ध्यान है आपको जीनोटाइपिक कैटेगरी जो होती है इनमें होता है 1 2 1 2 4 2 एंड 1 2 1, ये इसकी जीनोटाइपिक कैटेगरी होती है। अब इस जीनोटाइपिक कैटेगरी में जो है वो एक तो टॉल एंड पिंक फ्लोवर्ड जो है वो प्लांट कितने रहेंगे, टॉल एंड पिंक फ्लोवर्ड प्लांट है वो इनमें, इसमें ये भी हो और ये भी हो, इसका मतलब इनका क्रॉस करवाओगे तो इस टाइप के 4 तो प्लांट ध्यान आपको इस टाइप के आते हैं, ये भी टॉल और पिंक को शो करेंगे, क्लियर यहाँ तक। और इसके अलावा 2 प्लांट्स जो है वो ऐसे रहेंगे जिसमें ये दोनों ये रहेंगे, दोनों होमोजाइगस कंडीशन टॉल वाली, तो और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, यही कंडीशन जो है वो पिंक को शो करेंगी, टॉल एंड पिंक। तो टॉल एंड पिंक एक तो इस टाइप के होंगे और एक इस टाइप के होंगे, तो 4 प्लांट तो ऐसे होंगे जीनोटाइपिक कैटेगरी आप उसमें देख लें चेकर बोर्ड में, तो 4 टाइप के 4 तो कैसे आएंगे, इस टाइप के प्लांट वाले आएंगे और 2 इस टाइप के आएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। ये 6 प्लांट है वो कितने में से रहेंगे, ये 6 प्लांट है वो 16 में से होंगे, और अब ये 6 प्लांट है वो 16 में से होंगे। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड पिंक, अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको इसकी परसेंटेज लेनी है, तो परसेंटेज जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, 4 से इसको करेंगे तो ये 25 और ये फिर 2 से कर दो 2 3, तो ये इनमें जो है वो इसको करोगे तो 3/2 × 25, तो 3/2 × 25 75/2, तो 37.5%, ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर इसका सेकंड आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। तो 2 प्लांट जो है वो तो कैसे रहेंगे, जो इस तरह की जीनोटाइप को शो करेंगे, ये भी टॉल एंड पिंक के लिए और ये टॉल एंड पिंक के लिए, 4 प्लांट ऐसे होंगे जो इस जीनोटाइप के होंगे, तो टोटल 6 होंगे, कितने में से 16 में से, तो 6 में 16 है तो परसेंटेज में 37.5% आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 129, देयर इज ए प्लांट इन विच जीन्स फॉर, देयर इज ए प्लांट इन विच जीन्स फॉर ब्लैक और वाइट कलर डू नॉट शो कंप्लीट डोमिनेंस और रेसेसिवनेस, तो कंप्लीट डोमिनेंस को शो नहीं कर रहे हैं और रेसेसिवनेस को शो नहीं कर रहे। इफ ए प्लांट कैरिंग ब्लैक फ्लावर कलर जीन इज क्रॉस्ड विद ए प्लांट विद वाइट कलर जीन, ऑल द ऑफस्प्रिंग हैव ग्रे कलर्ड, इट मींस को डोमिनेंस को शो कर रहे हैं ये, तो ग्रे कलर्ड आ रहा है या सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहे हैं ये, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या आ रहा है, इनमें ग्रे कलर आ रहा है, किस किस के बीच क्रॉस से, ब्लैक और वाइट से, तो ये कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, ये ब्लैक को ये वाइट को इसका क्रॉस करवा दिया तो कैपिटल वी स्मॉल वी ग्रे कलर आ गया। इससे आगे F2 जनरेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वी ब्लैक, कैपिटल वी स्मॉल वी ग्रे, कैपिटल स्मॉल वी वाइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका रेशियो ऑल ब्लैक किस में पूछा है, F2 में पूछा है या F1 में, ऑल द ऑफस्प्रिंग हैव ग्रे कलर इफ टू ऑफ दीज ग्रे कलर प्लांट आर क्रॉस्ड द प्रोजेनी रेशियो वुड बी, इसका मतलब F2 जनरेशन का लेना आपको, तो F2 जनरेशन में क्या आएंगे, 1/2 ग्रे, 1/4 वाइट, 1/4 ब्लैक, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप देखें 130 है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को फाइंड करना है, गैमिट्स प्योर फोरेट्रेट करेक्ट है, को डोमिनेंस फ्लोवर कलर इन स्नैप ड्रैगन इनकरेक्ट है, को डोमिनेंस की जगह क्या होता है इनमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, तो को डोमिनेंस की जगह इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, तो ये इनकरेक्ट है। लीथल जीन बॉडी कलर इन माइस करेक्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसने बताया था सबसे पहले, कार्ल कोरेंस ने, ये भी करेक्ट है। तो गलत मैचिंग जो है वो कौन सी है, सेकेंड इसकी गलत मैचिंग है, करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आप देखें 131 में इसमें दिया हुआ है 131 द पनेट स्क्वायर सोन बिलो रिप्रेजेंट्स, अब इनमें आप क्वेश्चन समझ लें आप, इसमें क्या हुआ दिया, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हेन येलो इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, येलो व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है।
अब इनमें आपको पहचानना है प्लांट ऑफ टाइप एच विल प्रोड्यूस सीड्स विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ऑफ, यानी एच टाइप का जो प्लांट है उसका पहले आपको जीनोटाइप देखना है। एच टाइप के प्लांट का जीनोटाइप जो है वो क्या है, किस किस का क्रॉस हो रहा है एच में, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनमें क्रॉस करवाएंगे तो एक तो क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसका क्रॉस हो रहा है स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, इस क्रॉस में जो है वो क्या बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कंडीशन जो है वो इन चार में से कौन से में रहेगी, एम टाइप जो अगर देखें तो एम टाइप वाला कौन सा है, एम टाइप है ये, एम टाइप में क्या आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसा नहीं आ रहा तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप देखें जे टाइप में, जे कौन सा है ये, जे टाइप में क्या आएगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी ये दोनों ही कैपिटल वाई आ जाएंगे, जे में तो दोनों कैपिटल वाई आ जाएंगे, तो ये भी जे वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर, तो जे वाला भी पॉसिबल नहीं है। अब लेंगे टाइप पी, पी वाला जो है वो कौन सा है ये है, तो पी वाला ये है तो इसमें क्या आएगा स्मॉल वाई यहाँ क्या दे रखा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। टाइप एन कौन सा है ये है जिसमें क्या दे रखा है यहाँ कैपिटल वाई यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, आंसर आ जाएगा फोर्थ करेक्ट, क्लियर। एन टाइप के साथ जो है वो ये सही मैच कर रहा है, तो ये इनमें जो है वो आंसर इसका क्या जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप देखें 132 में सेलेक्ट वन वर्ड फॉर स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड को सेलेक्ट करना, इफ़ एफ वन रिजेंबल्ड बोथ द पेरेंट्स, एफ वन दोनों पेरेंट्स को शो कर रहा है इट मीन्स को डोमिनेंस, ये तो को डोमिनेंस होगी। बी दे रखा है इफ़ एफ वन डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू, दोनों से डिफरेंट आ रहा है, दोनों के बीच का कैरेक्टर अगर उसमें आ रहा हो तो क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इफ एफ वन रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स में से एक ही पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वन तो क्या होगा वो डोमिनेंस, उस कंडीशन में क्या कहेंगे उसको डोमिनेंस है। अब आप देखो इसमें ए क्या है, ये सी से स्टार्ट कर रखा है डोमिनेंस, गलत हो गया। सेकेंड में दे रखा है ए डोमिनेंस है ही नहीं। थर्ड में दे रखा है बी डोमिनेंस, बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये भी नहीं हो सकता। चौथे में दे रखा है सी को डोमिनेंस, सॉरी सी डोमिनेंस, ये सही है। ए को डोमिनेंस ये भी सही है और बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका फोर्थ आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप देखें 132 के बाद 133 में इसमें दिया हुआ है मार्क द ऑड वन विद रेफरेंस टू एफ टू जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें जीनोटाइपिक की फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है, तो जीनोटाइपिक की फ्रीक्वेंसी डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको ध्यान है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होती है। अब इनके अंदर जो है वो ये फोर तो कौन से हैं जिनके अंदर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हो, क्लियर। ये कौन से हैं, दो कौन से होते हैं, ये वन वाले जो है वो कौन से होंगे पूरी तरीके से या तो डोमिनेंट एलील्स पूरे रिसेसिव एलील्स हो उनका रेशियो 1:1 होता है। अब इनके अंदर जो है वो आपको क्या बताना है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ऐसे जो है वो कितने रहेंगे 2 होंगे, समझ में आ गई। ये 16 में से 2 जो है वो इस टाइप के होंगे जिनमें एक रिसेसिव हो बाकी 3 डोमिनेंट हो, तो 2 बाई 16 का मतलब 1:8, 1:8 का मतलब परसेंटेज में कितना रेशियो आना चाहिए इसका, तो 1:8 के अकॉर्डिंग क्या आएगा उसमें 12.5%, तो 12.5% तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया ये, तो इसके अंदर जो है वो क्या पूछा है एफ टू जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस मार्क द ओड वन
ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ TTRR, ये 1/16 में से ये रेशियो जो है वो इस टाइप के कितने आएंगे, 1 आएंगे, तो 1/16 इंटू 100 क्या आ जाएगा, ये 6.25 आ जाएगा परसेंटेज, ये करेक्ट है। TTRR ये भी होमोजाइगस के लिए 1/16, तो 1/16 के अकॉर्डिंग ये भी सही आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल TT कैपिटल R स्मॉल R ये क्या आएगा, 2/16, तो 2/16 इसका मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब जो है वो कितने आ जाएगा, 12.5%, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है वो कौन सा हो गया, ओड वन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है। क्या आना चाहिए इसकी जगह, इसकी जगह जो है वो आना चाहिए 12.5%, तब ये करेक्ट होता, अब ये इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद देखें 134 में दे रखा है, ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटरोजाइगस फॉर 4 लोकाई एंड होमोजाइगस फॉर 3 लोकाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस। अगर कोई भी हेटरोजाइगस है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, वो हेटरोजाइगस कितनी लोकाई के लिए है वो उसमें इंपॉर्टेंट होता है, होमोजाइगस कितने के लिए उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ हेटरोजाइगस कितने के लिए, 4 लोकाई के लिए हेटरोजाइगस है, इट मीन्स एन इज इक्वल टू 4। क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमिट्स, तो गैमिट्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 4 का मतलब क्या रह जाएगा इनमें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 टाइप के गैमिट्स जो है वो ये बना सकता है। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 3। क्लियर। और उसके बाद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से रिलेट है, ए पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाई 3 जीन्स A, B, and C इन ए क्रॉस A, B, B, C, C, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग वाज ऑब्जर्व्ड एज, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ये ट्राई हाइब्रिड होता है, ट्राई हाइब्रिड में ध्यान होगा भी आपको क्या रेशियो आता है, 1, 6, 15, 20, फिर 15, 6 and 1, ये ट्राई हाइब्रिड जो है वो रेशियो आता है किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की कंडीशन में, जहाँ एक तो कौन सा होगा, एक तो कौन से होंगे जिनमें सारे 6 एलील्स डोमिनेंट हो, इसमें 5 एलील डोमिनेंट वाला, इसमें 4 एलील डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट एलील, 2 डोमिनेंट एलील, 1 डोमिनेंट एलील और 0 डोमिनेंट एलील वाले। क्लियर। तो इनका जो है वो रेशियो क्या आएगा, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो क्या पूछा है इनमें, एक्स पूछा है, तो एक्स की जगह जो है वो क्या आना चाहिए, 6 आएगा। करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपके सारे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इनमें जो है वो कंसंट्रेट होके ध्यान दें, आगे ऐसी गलतियां रिपीट नहीं हो। क्लियर, ओके, बाय।